आज मैं बातचीत करने के लिए मेजर जनरल SP सिन्हा के पास आई हूँ और मुद्दा आज मैं ये लेके आई हूँ कि जो काबुल एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ और जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये कहा कि हम बदला लेके रहेंगे और आज उस बदला पे पूरी दुनिया भर में सवाल उठ रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो आज के फ्रंट न्यूज़पेपर के पेज पे छपा। पहले ये तस्वीर देखिए, ये रोती बिलखती महिला जो अफगानी महिला है जो डेड बॉडी को पहचानने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये मेरे परिजन की तो डेड बॉडी नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो बाइडेन की तस्वीर जो बिल्कुल मायूस होकर के तालिबान को फाइटर कह के और ISI को आतंकवादी कह के ये कह रहे हैं कि हम बदला ISI से लेके रहेंगे और तालिबानी फाइटर से भी ज़्यादा खतरनाक अभी आतंकवादी जो हैं वो अफगान में एक्टिवेट हो चुके हैं। तो आइए चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल जो मैं ये पूछूंगी, अमेरिका अफगानिस्तान से रिलेटेड सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहला सवाल मैं ये पूछूंगी, जो बरादर और मसूद अज़हर के बीच में जो मीटिंग हुई, मसूद अज़हर अफगान जाता है वहाँ पे जाकर के बरादर से मीटिंग करता है, उसकी क्या जो है मायने हम लोग निकाल सकते हैं? इसके तीन मायने हैं। पहला कि मसूद अज़हर जो जैश मोहम्मद का चीफ है वो बरादर के पास ये कहने गया है, हाँ, कि हमने तुम्हें मदद किया सत्ता में आने के लिए, अब समय आ गया है रिटर्न गिफ्ट का, पे बैक टाइम, क्विड प्रो को, हमने तुम्हें मदद किया तुम हमें मदद करो, हमने अपना काम कर दिया तुम अपना काम करो, तुम जम्मू एंड कश्मीर में हमारे साथ मिलके आतंक फैलाओ। अच्छा। अमेरिका के जो मिलिट्री इक्विपमेंट $86 बिलियन अमेरिका छोड़ के गया जो तालिबान के हाथ में आ गया है, उसमें कुछ हिस्सा हमें दे दो लड़ने के लिए। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा है कि FATF एंगल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंगल। वो क्या एंगल है? पाकिस्तान इनको समझा रहा है, लश्करे तौबा को, HEM को, HM को, JEM को, कि तुम पाकिस्तान से शिफ्ट होके अपना बेस अफगानिस्तान में ले जाओ। तब पाकिस्तान कहेगा, देखा मैंने इन आतंकवादियों को अपने मिट्टी से उठा के फेंक दिया, ये हमारे धरती पे नहीं है जी। तो अब हमको ग्रे लिस्ट से निकालो, हम तो इतना एक्शन लिए हैं, इनको तो देश से बाहर निकाल दिया। हालांकि अफगानिस्तान में भी रह के ये पाकिस्तान ISI का ही गीत गाएंगे। तो FATF का डर, FATF से ग्रे लिस्ट निकलने का की सोच। तीसरा चीज़, पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है विश्व को कि अब वो आतंकवाद के खिलाफ बहुत कड़ा कदम उठा रहा है। ये तीन गेम है। देखिए, पाकिस्तान का DNA आपको समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एक बहुत कनिंग फॉक्स, धूर्त लोमड़ी, रोग, अधर्मी, बेशरम, निर्लज ऐसा देश है। वो बहुत चतुरता से गेम खेलता है, चित भी मेरा पट भी मेरा, आतंक करेगा भी और दिखाएगा कि हम तो आतंक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। भाई 26/11 के बाद क्या हुआ था? हाफिज सईद को 8 महीना अरेस्ट किया, क्या हुआ? फिर छोड़ दिया। बड़ा चतुर है पाकिस्तान, जब हीट, जब गर्मी ज़्यादा होती है, गर्माहट, तो एक्शन लेता है। लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, 3-4 महीने में इशू ठंडा पड़ जाता है, फिर छोड़ देता हाफिज सईद को। आप एक चीज़ बताओ मुझे, जो यूनाइटेड नेशंस ने हाफिज सईद को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जी, वो खुलेआम पाकिस्तान में कैसे घूम रहा है? कैसे घूम रहा है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है। ओसामा बिन लैडन अबोटाबाद में कैसे पाया गया? जो अलकायदा का आदमी, आतंकी बॉस, 9/11 में तबाही कर दिया अमेरिका में, और वो पाकिस्तान में पाया जाता है अबोटाबाद में, और मिलिट्री कैंप के जस्ट बगल में, कैंटोनमेंट के बगल में, और पाकिस्तान आर्मी उसको फुल प्रोटेक्शन दे रही है, स्टेट प्रोटेक्शन। तो ये तो पाकिस्तान, मुझे खाली ताज्जुब लगता है कि एक ऐसा छोटा देश, ऐसा रोग देश, अधर्मी देश, अमेरिका को बार बार बेवकूफ़ कैसे बना देता है? कौन सा लकड़ी सुहा देता है जिसको लकड़ी के सूंघ के अमेरिका नाचने लगता है उसके टीम पे? मुझे समझ में नहीं आता। दो प्रेसिडेंट बोल चुके हैं कि ओवर डिकेड्स पाकिस्तान हमारा बेवकूफ़ बनाता रहा है, बोला है।
तो तुम बेवकूफ़ बनते क्यों हो, क्यों बनते हो? इसका मतलब है कि या तो जानबूझ के ट्रैप में फंसता है अमेरिका, या पाकिस्तान इतना चतुर है कि वो लकड़ी सुंघा के अपना काम निकाल लेता है। सर, अब यहाँ से मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से विपिन रावत ने कहा कि जिसको भी हमारे अगर बॉर्डर्स पे कोई भी आता है, कोई भी आतंकी आता है, तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, है ना? तो इस बात से हम कितनी जो है वो स्ट्रांग हम ले सकते हैं, या फिर क्या मायने हम इन बातों का निकाल सकते हैं? और ये एक तरीके से धमकी है उन लोगों के लिए जो आज ये सोच रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, जो काबुल एयरपोर्ट पर जो फिदायिनी हमला हुआ, उससे हम कश्मीर में जाके कुछ कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान का आर्मी विश्व का सबसे बेस्ट आर्मी है। 62 के बाद हम कोई लड़ाई नहीं हारे, हम बहुत सक्षम हैं। भूतकाल में सेना के हाथ बंधे रहते थे क्योंकि ऊपर से हुक्म नहीं आता था। 26/11 के बाद जब इंडियन एयरफोर्स चीफ ने सरकार को कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, परमिशन दीजिए, अनुमति दीजिए, नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। तो जब पाकिस्तान समझता था भूतकाल में कि हिंदुस्तान को कुछ भी कर लो, वोट बैंक के चक्कर में, तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में, ये हमारा कुछ नहीं करेंगे, ये खाली चिल्लाएंगे, लोकसभा में निंदा करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है इस शेमलेस देश को, बेशर्मी देश को। तो दूसरी बात, जम्मू एंड कश्मीर में आईबी क्रॉस करके, चाहे लश्कर ए तौबा आए, JEMI, HMI, तालिबान ही क्यों, ISK ही क्यों, ले आओ सबको, ले आओ अपने जितने तुम्हारे बंधु हैं, ये भी ले आओ, सबको समझाने के लिए पूरी तरीके, इतना शौक पूरा करना है कर लो, हम भी तो तुमको ब्रेकफास्ट डिनर बुलेट्स का देना चाहते हैं, वो खाओ ना, खाओ, ये जानी है। ठीक है, चलो सर, अब जो है हम अमेरिका पे आ जाते हैं। अमेरिका ने कहा कि हम बदला लेंगे, काबुल एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ, फिदायिनी हमला हुआ, उसको मतलब उसको फिर ये कह रही है अमेरिका के जो बाइडन कह रहे हैं कि जिसने इस हमले को पूरा प्री प्लान किया, जिसने इस हमले को किया, उसके मेन को हमने ख़त्म कर दिया है, तो इस पर आप किस तरीके से क्या देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बाइडन की पॉलिटिकल व्यवस्था है, यदि ऑलरेडी उसकी जो लोकप्रियता है वो इतनी नीचे जा रही है, अमेरिका के अंदर जो जनरल्स हैं, जो कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, जो अफगानिस्तान में नौकरी किए, सर्विस किए, वो पूरी तरह से, वीडियो आप देखे होंगे कितना वीडियो पे, पूरी तरह से बोल रहे हैं कि जो विड्रॉल हुआ है वो बहुत जल्दी में हुआ है, बिना सोचे समझे हुआ है। उनके मिलिट्री कमांडर्स बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं जी। उनके मिलिट्री कमांडर्स अपने, तो वह डेमोक्रेसी है, बोलो, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि तो व्यवस्था थी बिडेन की, कुछ करना था, तो उन्होंने ड्रोन भेज के 6-7 जो भी ISK के लोग हैं उनको जिहादी उसको आतंकी को मार दिया। मेरा पहला कमेंट, ये बहुत छोटा कदम है जी। क्या ISK का स्ट्रेंथ 6-7-8-10 है, या वो हजारों में है? बिल्कुल। दूसरी बात, आप अपना मदर बॉम्ब इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप एक ड्रोन भेज के कितने लोग को मारोगे? वो जहाँ कहीं बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, सुरंग में बैठे बैठे तो हैं, आप एक ऐसा बॉम्ब इस्तेमाल करो कि पूरा ध्वस्त हो जाए, हम कंप्लीट का कंप्लीट ISK वॉश आउट हो, आप वो तो नहीं कर रहे हो। तीसरी बात, आप बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, उस पर आप ही लोग मेरे पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मुझे लगता है ये तालिबान और अमेरिका की साजिश है जो ISK के कंधे से फायर किया जा रहा है। ये ISK के हरकत हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, बट मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये हरकत है हकानी नेटवर्क, तालिबान, और इस पूरे षड्यंत्र में अमेरिका नो हाउ में है, मुझे ये लगता है। ISK को क्यों स्केप गोट बनाया गया है, क्यों उसके कंधे से फायर किया जा रहा है? क्योंकि अब तालिबान ने क्या स्टेटमेंट दिया, आपने सुनी होंगी कि हम आतंकियों का ये आतंक बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। अरे जो तालिबान आतंक कर रहा है, बहनों बेटियों के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, वो कहता है आतंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मतलब ये ड्रामा का स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ है कि करो कोई, हकानी नेटवर्क करे, तालिबान करे, हम कंधे से फायर करेंगे ISK के, हम बोलेंगे, ISK एडमिट कर लेगा कि हमने किया, कर लिया हमने, ISK के 6 लोग मर जाएंगे, तालिबान को क्लीन चिट मिल जाएगा, बिडन खुश, अमेरिका वालों को बोलते देखा मैंने हरकत किया ना,
ढूंढ के पीट दिया ना, मार दिया ना। तो ये जो विन विन सिचुएशन है अमेरिका के लिए, तालिबान के लिए, अलकायदा के लिए, ISK के लिए, ये पूरी मेरी कोई कहानी बहुत षड्यंत्रकारी कहानी लगती है कि बहुत ये जो दिखाई पड़ रहा आँखों को वो कुछ और है, कहानी है नहीं, करीं कुछ और कहानी के पीछे कहानी कुछ और है। और क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिका कहता है कि तालिबान अच्छे फाइटर हैं, हाँ, तालिबानी फाइटर भी कहा, फाइटर कहा है, तो जो तालिबान तुम्हारे लोगों को मार रहा है वो अच्छे फाइटर कैसे हो सकते हैं भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं साठ घाट है, कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ती है। हाँ। और कड़ी जुड़ती का बैकग्राउंड है दोहा एग्रीमेंट 29 फरवरी 2020। उसके बाद आप बोलते हो कि आप कैसे टैक्टिकल विड्रॉल, ऐसा मतलब हम लोग का फौज का हवलदार भी बेटर टैक्टिकल विड्रॉल करेगा, रोमेल से सीखो भाई, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मास्टर जिसको कहा जाता है टैक्टिकल विड्रॉल का। आप सेना को वापस ओवरनाइट कैसे भगा सकते हो और अपने मिलिट्री पर्सनल को कैसे गीदड़ों के सामने छोड़ सकते हो? क्यों, ये आपका प्लानिंग है? आप वर्ल्ड के सुपर पावर नंबर वन बन कहते हो और ये आपकी प्लानिंग है कि अपने सिविलियंस को, अपने फौजियों को छोड़ दिया कि मरो कटो। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अमेरिका बिडेन का अप्रिसिएशन है कि हम दूसरे की लड़ाई क्यों लड़ें, अफगानिस्तान में हम कब तक पैसा देते रहे, हमारे लोग क्यों मरे? तो नहीं करना चाहते हो भैया तो वर्ल्ड पावर सुपर पावर नंबर वन का गद्दी छोड़ दो, कोई दूसरा बैठ जाएगा उसमें। मतलब पावर भी चाहिए, स्टेटस भी चाहिए और खर्चा भी नहीं कुछ करोगे, खर्चा तो करना पड़ेगा, मैन पावर का, पैसे का, जवानों के जान का, वो तो बलिदान देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर भाई कोई ऐसे खामखा लड्डू तो नहीं देगा ना थाली में आपको। तो ये कहानी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि षड्यंत्र कुछ और है, जो आँखों को दिखाई दे रहा है वो मेरी आत्मा गवाह नहीं करती कि यह सच है। ठीक है, तो सर इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? जिस तरीके से आपने अभी हमें समझाया कि अमेरिका जो है वो तालिबान का साथ दे करके जो कंधा यूज़ करना चाहता है ISI का, तो इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, किस तरफ चोटी करना चाहता है? मैं बताता हूँ क्या कारण है। यदि अमेरिका, बिडेन ने कहा जो हत्यारे हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, यदि मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कि तालिबान हत्यारा है, हाँ। तो आपको तालिबान के अगेंस्ट हरकत करना पड़ेगा, बिल्कुल, जैसे आपने ड्रोन भेज के ISK को मारा, बिल्कुल। यदि आप तालिबान को मारोगे तो आपके जो 5,000 फौजी हैं जो सिविलियंस अमेरिकन, उनका क्या होगा, उनकी जान का क्या होगा? तो अभी तो 13 मरीन मरे हैं, बाकी भी ठुकेंगे, तो तुम्हारी लोकप्रियता का क्या होगा? तो इसीलिए फेस सेविंग एग्जिट करो, ये षड्यंत्र रचो और ISK को स्केपगोट बना के ठोक दो और दिखाओ हमने तो कर दिया जो कहा था वो किया। हमारे गले नहीं उतरती ये बात, ये पछता नहीं है, मेरी जो मिलिट्री बुद्धि है ये मुझे कन्विंस नहीं कर पा रही है कि सचमुच में ISK ने किया है। मुझे लगता है हकानी नेटवर्क, पाकिस्तान, इसका इस पूरे षड्यंत्र का आका है पाकिस्तान, पाकिस्तान, हकानी नेटवर्क, तालिबान, ये तीनों का मिश्रण है पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं अमेरिका भी उस मिश्रण में एक है, चुपचाप धृतराष्ट्र की तरह आंख मूंद करके खेल देख रहा है और अब क्रेडिट लेगा। देखा, हमने कहा था ना, हमने मार दिया सात लोगों को, क्रेडिट लेने के लिए वो शायद ये वाला, जो धारा आतंकवाद की जहां से बह के आ रही है, जो मुख्य नल है, उस पर कुछ नहीं कर रहे हो और साथ मार के खुश हो रहे हो, क्या है? अच्छा सर, ये भी मैं समझना चाहता, का क्या इसमें मतलब कुछ भारत का रोल होगा, किसी तरीके से भारत को इससे फायदा होगा कि चले ठीक है अमेरिका की चीछा लेदर हो रही है, लोग उसके एक्शन पे सवाल उठा रहे हैं कि जी आपने 6-7, जैसे आपने ही अभी कहा कि 6-7 आतंकवादियों को मार करके आप ये नहीं कह सकते कि आपने बदला ले लिया है ना, पिक्चर कुछ और है और कुछ और आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं ना कहीं भारत का कुछ फायदा हो सकता है या फिर भारत का कुछ नुकसान? अगर मैं आपसे देखिए, जो पूरे अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, हाँ। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे जहन में समझ में आता है वो ये है कि अमेरिका का डिपेंडेबल अलाई, हाँ। स्ट्रेटजिक अलाई की छवि में गिरावट हुई है, हाँ। लोग विश्वास नहीं करेंगे अब अमेरिका पे। आप देखिए, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का सिंगापुर जा रही हैं, कहाँ कहाँ जा रही हैं, कहने कि नहीं नहीं तैवान में इसका असर पड़ेगा, अच्छा तैवान में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका
आप अपने दोस्त को वोल्फ्स के सामने फेंक दोगे और रातों रात भाग जाओगे तो दुनिया क्या सोचोगी? जो कष्ट में हमारा साथ नहीं है वो हमारा दोस्त नहीं है, यही सोचेगी। तो हम जब कष्ट में आएंगे अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, तो ये तो बहुत बड़ा डेंट लगा है। मतलब अमेरिका के इमेज पर डेंट लगा है, उसका फ़ायदा भारत को कैसे? बताता हूँ। देखिए, अफगानिस्तान अभी तालिबान बोल रहा है कि भारत, जो तालिबान का स्पोक्स पर्सन था उसका मैं वीडियो देख रहा था, उसने कहा भारत के दो स्वरूप हो सकते हैं, रोल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, सकारात्मक नकारात्मक, नकारात्मक। भारत ने सकारात्मक किया है, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, पार्लियामेंट बनाना, ये बनाना, डैम बनाना, ये सब किया है ना हमने, तू तो बर्बाद नहीं किया, हम तो अफगानिस्तान के भले में काम किए हैं। पाकिस्तान उस पर भी छड़प रहा है, क्या हुआ तुम्हारा 3 बिलियन का, 3 मिनट का क्या हुआ? तुम छड़पते रहो, तुम फकीर करोगे क्या? तुम्हारे पास तो 58 नहीं है, हम तो 3 मिनट करके हम भूल जाएंगे किया किया। लेकिन जो गुडविल तालिबान के जहन में है कि यदि फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तालिबान को, तो वो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा। अच्छा। कि ये जनहित में हिंदुस्तान पॉजिटिव सकारात्मक काम करेगा। लेकिन उसमें खतरा है, यदि हमारे इंजीनियर्स जाएंगे वहाँ पे किडनैप होंगे तो हम ब्लैकमेल होंगे। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करें, निकालें, 100% हिंदुस्तानी को निकालें, पहला प्रायोरिटी। आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास 3 ऑप्शन है, तालिबान को रिकॉग्नाइज करो, तालिबान से दोस्ती करो, ऑप्शन 2 आप मिस्टर साले को रिकॉग्नाइज करो, नदर अलायंस को रिकॉग्नाइज करो और बोलो वही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान के। नंबर 3 वेट एंड वॉच, समय का धार देखो, प्रवाह देखो, फिर नाव उसी दिशा में ले जाओ। नंबर 4 अब 2-3 दिन बचा है चेयरमैन यूएनएससी का, बट 2 घंटे में भी काम हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स अफगानिस्तान में पोजिशन करो और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ और पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेन किया है, पाकिस्तान को आतंकवादी आतंकिस्तान घोषित करो। तो ये सब हिंदुस्तान कर सकता है फेजेस में। और देखिए, हिंदुस्तान की छवि मोदी जी के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा हो गया है। क्या ये डिपेंडेबल देश है, जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, हम भी कूटनीति खेलेंगे, मोदी जी कूटनीति करेंगे, लेकिन वो भड़ बोलते नहीं हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना चेस गेम खेलते हैं, लेकिन हाँ जो कमिटमेंट देते हैं वो करते हैं। तो ये देश तालिबान मान रहा है कि सकारात्मक रोल किया हिंदुस्तान ने, अब इससे ज़्यादा क्या सर्टिफिकेट चाहिए? हाँ सर, यहाँ से अब मैं एक और सवाल, जैसे आपने मुझे 4-5 अभी पॉइंट बताया कि भारत को ये चीज़ें मतलब देखना चाहिए कि, और तालिबान ने भी कहा कि भारत की एक सकारात्मक भूमिका रही है, तो क्या ये कश्मीर में कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को लेके, जो मतलब पाकिस्तान खुश हो रहा है कि नहीं जी अब तो तालिबान का वहाँ पे वो हो गया तो हम वहाँ पे कब्ज़ा कर लेंगे, अब जैसे मीटिंग हुई मसूद अज़हर की और वहाँ बरादर की और फिर उन्होंने ये सोचा कि हम कश्मीर पे अपना इस पर एक्शन दिखाएंगे, लेकिन अब जो तालिबान का आपका जो आपने मुझे स्टेटमेंट कहा कि भारत ने सकारात्मक भूमिका निभाई है तो हमें कश्मीर में फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को नुकसान होगा। देखो अर्जुना, ऐसा है, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी को परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं मानता। जैसे लोग पॉलिटिक्स में कहते हैं नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज, कोई किसी पार्टी से किसी में घुस जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने सकारात्मक किया, तो क्या तालिबान कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है। मुँह से कह देना कि हम हिंदुस्तान के लिए ऋणी हैं कि उन्होंने सकारात्मक रोल किया है, पर तुम्हारी सोच क्या है, तुम्हारी डीएनए क्या है? तुम्हारी सोच है इस्लामिक स्टेट, तुम्हारा डीएनए है शरिया लॉ, तुम्हारा है, तुम चाहते हो गजवाए हिंद, तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान में भी इस्लामिक स्टेट बने। तो जब ये सोच है तो तुम्हारा हमारा मिलन नहीं हो सकता, खतरा है। जब ये जनरल बाजवा ने 21 जुलाई को पार्लियामेंट को, पाकिस्तान में पार्लियामेंट को ब्रीफिंग किया था और आईएसआई चीफ भी था उसमें, क्या कहा उन्होंने, आईएसआई चीफ ने क्या कहा कि तालिबान और अफगानी तालिबान और टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोनों एक कॉइन के हिस्से हैं,
दोनों एक ही कांड के हैं, दो हिस्से हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ISI का अप्रिसिएशन है कि यदि तालिबान उल्टा राग गाना शुरू करेगा तो हम ISK को इनकरेज करेंगे, अलकायदा को इनकरेज करेंगे। तो वो डमरू बजाता है, कभी अलकायदा को नचाएगा, कभी ISK को नचाएगा, कभी तालिबान को नचाएगा। तहरीक TTP उसके कंट्रोल में नहीं है, वो तो पेशावर में जाके इनके आर्मी स्कूल में ठोक के आया बच्चों को उनके। लेकिन सवाल ये है कि देखिए क्या स्ट्रेंज सिचुएशन है। तहरीक तालिबान से पाकिस्तान आर्मी और ISI डरती है। हाँ। तालिबान को पाकिस्तान आर्मी ने ट्रेन किया, मुशर्रफ ने कहा है, और तालिबान बोलता है कि हम ग्रेटफुल हैं पाकिस्तान के लिए, मतलब रिकॉग्नाइज करता है। और तालिबान कहता है कि TTP और तालिबान भाई भाई हैं, ये हमारे हैं। पाकिस्तान कहता है ना सर कि तालिबान और TTP जो दो भाई भाई हैं, तो एक ही तालिबान भी मानता है इस बात को कि TTP तो हमारे भाई हैं। फिर तालिबान कहता है कि पाकिस्तान तो हमारा दूसरा घर है। आप देखिए हर एक सेंटेंस में विरोध है। तो इसका मतलब साफ है किसका दिन किसका उल्लू कैसे सीधा करना है, गेम ये है। बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, हम लोग को JNK में केयरफुल रहना है और जो घुसे उनको वीज़ा दे देना है ऊपर जाने के लिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल करूंगी और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बस एक आखिरी सवाल और वीडियो को हम यहाँ पे मतलब ख़त्म करेंगे कि अमेरिका ने जो एक्शन लिया उससे तो अमेरिका की इमेज पे डेंट पड़ा, कि जिस तरीके से इसने विड्रॉल किया उस पर इमेज पे डेंट पड़ा, और भारत को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कि तालिबान जो है सकारात्मक भूमिका उसने कहा कि भारत निभा रही है, तो अभी की स्थिति क्या बनी हुई है, अभी भारत को कहाँ पे स्टैंड करना चाहिए, आखिरी में अगर मैं पूछूं। पहला, हाँ, वेट एंड वॉच। हाँ। दूसरा, अपने लोगों को चाहे सिख भाई हों, जैन भाई हों, बनिया कम्युनिटी हो, जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करवाओ, प्रायोरिटी वन। और दूसरा है एज ए स्ट्रेटजी वेट एंड वॉच, मतलब ये दो काम करने जल्दी में रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। और तीसरे मेरे मन में है लेकिन सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं बोलूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी बातें हमारे बीच रखने के लिए, धन्यवाद।